एक बार फिर से मैंने न्यूज टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आपको बता दें कि बिना शर्त के पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। विजय कुमार सिंह, विधान सभा सदस्य। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। आप सभी को मैं बता दूं कि जैसा शिक्षा मंत्री का बयान आता है उसके विपरीत सभी कार्य होते हैं। उन्होंने बयान में बोला था कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, टीचर ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा, सभी तरह का लाभ मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत हुआ। जो सेवा शर्त था, नियमावली था, वह ड्राफ्ट ही चेंज हो गया। इसी तरह आप सभी ने सुना होगा कि शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि नियमावली में संशोधन संभव नहीं है, यानी संशोधन नहीं होगा। तो इसके विपरीत है कि 100% संशोधन होगा, चाहे जैसे हो, संघर्ष से हो या न्यायालय से हो, होना तय है। तो इसी पर आप देख रहे हैं विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। इसमें यह विषय में दिए हुए हैं, सभी पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने के संबंध में, उपयुक्त विषय के संबंध में इस पत्र के माध्यम से आग्रह है कि बिहार शिक्षा संघर्ष मोर्चा जिला औरंगाबाद के पत्रांक 91 दिनांक 7/5/2023 के अभ्यावेदन के आलोक में कहना है कि पूर्व से बहाल सभी नियोजित शिक्षकों की शिक्षक जिनकी बहु प्रशिक्षित मांग राजकर्मी का दर्जा है, क्योंकि यह वर्षों से कार्यरत है, इन्हें बिना किसी शर्त के राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। मैं इन लोगों के मांगों का पूर्णतः समर्थन करता हूं। तो इस तरह विजय सिंह ने आपको समर्थन किया है और अपने पैड पर लिखकर यहां पर देख रहे हैं सब चीज़ दिए हैं कि बिना शर्त के नियोजित शिक्षक जो पूर्व से बहाल है उनको इस सेवा शर्त संशोधन नहीं, इसमें केवल सामंजन कर दिया जाए और वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया जाए ताकि सभी शिक्षकों की मांग पूरी हो जाए। अन्यथा की स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो बाद में बहाल होंगे वह बढ़िए हो जाएंगे और जो 15 साल 17 साल से बहाल शिक्षक हैं वह ऑटोमेटिक कनीय हो जाएंगे। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।